ग्राफिक्स की क्वालिटी पर्सनली बात करूं मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अब देखेंगे 60 ईयर्स ऑफ द नेशंस राइड यहाँ पे मेंशन है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको इसका कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया। शॉक्स भी आपको इसका जो कप है ना वो आपको ब्लू कलर में मिलता है। ऐनक का जो कलर है ना वो भी ब्लू कर दिया गया है। सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन वैसे ही काफ़ी खूबसूरत लगता है। रेड कलर की टेल, ऑरेंज कलर का इशारा, ब्लैक कलर का यहाँ पर प्लास्टिक, सिल्वर कलर का ये, ब्लू कलर का ये, काफ़ी रंग बिरंगा सा सीन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जानूर, आप देख रहे हैं सीडर को। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है होंडा सिटी 70 2024 मॉडल का ब्लू कलर, और ये फर्स्ट टाइम है होंडा ने जो ब्लू कलर है होंडा सिटी 70 में इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि होंडा सिटी 70 का 2024 मॉडल का जो ब्लू कलर है वो कैसा है, इसकी प्राइसिंग के बारे में और जो कंप्लीट जो डिटेल्स है ना वो जानेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो कलर है कैसा लगा, इसके ग्राफिक्स कैसे लगे, और मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ये लाजमी काम करना है आपने, ठीक है। चलें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने होंडा सिटी 70 2024 मॉडल का ब्लू कलर। पहले मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब आटोस मेन सियालकोट रोड पे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये आपके सामने मीटर ब्लैक कलर में वही आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है ना ऑनेस्टली डाउन लग रही है, बाकी प्लास्टिक बस एवरेज ही है, ठीक है। बाकी ग्रिप्स वगैरह जो है वो वही चीज़ हैं, क्वालिटी इनकी वैसी है जैसे पहले थी। और हेडलाइट की अगर हम बात कर लें, हेडलाइट की जो फ्रंट साइड से जो क्वालिटी है ना वो तो काफ़ी कमाल है। आप देखें आपको काफ़ी शाइन नज़र आती है इसमें, इसका जो रिंग है वो भी काफ़ी कमाल का है। बट अगर हम बात करें इसकी बैक की, तो इसकी जो बैक है ना, इसका जो कवर है उसकी क्वालिटी बस एवरेज है और फिटिंग भी बस नॉर्मल है, बट दूसरी जितनी भी बाइक्स हैं उनसे सबसे बेहतर है। टर्न इंडिकेटर्स की बात कर लें, हम देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स होंडा के सबसे अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज सबसे अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बाद नीचे वाली साइड आप देखेंगे इसका हॉर्न है, नीचे होंडा का एम्बलम है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये चीज़ जो है ना ये भी चेंज की गई है, इसको भी ब्लू कलर का कर दिया गया है, जिसको ऐनक बोलते हैं। तो ऐनक का जो कलर है ना वो भी ब्लू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ब्लू किस किस्म का ब्लू कलर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो शॉक्स है ना वो आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में, ओवरऑल ऊपर वाली साइड से ही सिर्फ और सिर्फ ब्लू है। यहाँ पे वही ग्रे कलर आपको मिलता है, इससे ऊपर आपको वही जो क्रोम जो फिनिश है ना वो मिलती है। उसके बाद इसके अगर हम हब की बात कर लें, फ्रंट जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और मैं नोटिस कर रहा हूँ ये थोड़ा सा मजीद मैट कर दिया गया है पहले की नस्बत पेंट। और यूनाइटेड वगैरह में शाइनी हब आती है, बट इसमें मैट आती है। इसके जो स्पोक्स हैं वो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और रिम की जो क्वालिटी है ना वो भी आप देख सकते हैं, ये भी मतलब इसका कोई जोड़ नहीं सबसे अच्छी होती है जितनी भी बाइक्स हैं दूसरी। क्वालिटी ऑल दो काफ़ी लो है पहले से नस्बत, बट अभी भी कंपेरेटिवली जो है ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका जो रिम का जो साइज़ वगैरह ना वो आप देख सकते हैं। टायर के साइज़ के बारे में बात कर लें, आप देख सकते हैं 2.25x17 का टायर है, और 4 ply का इसके अंदर टायर है, और ये जो मेरे पास है इसमें सर्विस का जो टायर है ना वो यूज़ किया गया है। अभी साइड से भी आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। उसके बाद हम आते हैं इसके फ्यूल टैंक पे, ठीक है। साइड पे आते हैं तो फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं, फ्यूल टैंक है ब्लू कलर का, इसका होंडा का एम्बलम मिल जाता है आपको वही कलर में, और ग्राफिक्स आप इसका देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको इसका कलर और इसके ग्राफिक्स कैसे लगे। और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कमाल है। दूसरी जितनी भी बाइक्स हैं वो आपको लोकल सी क्वालिटी प्रोवाइड करती है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो सबसे ज़्यादा कमाल होती है। अब देखेंगे 60 ईयर्स ऑफ द नेशंस राइड यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट 70 है, वो कहीं पे भी नहीं लिखा मिलता, इस दफ़ा यही मेंशन किया गया है। और ओवरऑल अगर ग्राफिक्स की क्वालिटी पर्सनली बात करूँ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, बट अगर हम बात करें साइड कवर की, ऑनेस्टली मुझे इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा खास नहीं लगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो ग्राफिक्स हैं ना आपको किस किस्म के मिलते हैं। यहाँ पे सिटी 70 की ब्रांडिंग है, कुछ मॉडल्स में यहाँ पे भी सिटी 70 मेंशन है, बट इसमें जो है ना ऊपर सिटी 70 मेंशन है, नीचे से काफ़ी हद तक आपको हाली सा साइड कवर मिलता है। नीचे आप देखेंगे आपको ब्लैक पेंट मिलता है, और ओवरऑल आपको दोबारा से लुक दिखा देता हूँ, ये चीज़ है इसकी। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको इसका कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंजन वाली साइड की, आप देखेंगे इसका जो कार्बोरेटर है ना उसकी फिनिशिंग क्वालिटी जो है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा कमाल होती है एज़ यूजुअल। उसके बाद आप मज़ीद इसका जो पाइप वगैरह वो आप देख सकते हैं, और इंजन की अगर आप क्वालिटी की बात करें वो भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। और इसका जो सिलेंडर है वो आपको 72 cubic centimeter का और एल्यूमिनियम की बॉडी में मिलता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ है। तो बाकी ये वही चीज़ है जो पिछले साल आपको मिली थी। इसका अगर हम इंजन कवर की बात कर लें वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो चेन कवर है उसका पेंट भी काफ़ी अच्छा है, और मटेरियल वगैरह भी काफ़ी बेहतर है, मतलब सेम जैसा पहले है ना वैसे ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद अगर हम इसके शॉक्स की बात कर लें, शॉक्स भी आपको इसका जो कप है ना वो आपको ब्लू कलर में मिलता है, और ओवरऑल जो है ना देखने में काफ़ी खूबसूरत, सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन वैसे ही काफ़ी खूबसूरत लगता है, ठीक है। और ब्लैक का भी, और ये तीनों चीज़ें बीच में मिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे भी जो ब्लू कलर का यूज़ है ना वो किया गया है। टेल अब बात कर लें तो रेड कलर की मिलती है, तो यहाँ से थोड़ा सा अजीब सीन हो जाता है। रेड कलर की टेल, ऑरेंज कलर का इशारा, ब्लैक कलर का यहाँ पर प्लास्टिक, सिल्वर कलर का ये, ब्लू कलर का ये, काफ़ी रंग बिरंगा सा सीन हो जाता है।
ठीक है। तो बाकी मडगार्ड की जो क्वालिटी है वो वही है जो पहले आपको मिलती थी, और ओवरऑल मडगार्ड आप देख सकते हैं इसका किस तरह का मडगार्ड है। और रेयर हब की बात कर लें, आप देख सकते हैं इसकी रेयर हब, और वही आपको मैट फिनिश में मिलती है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके मफलर एग्जॉस्ट, इसके साइलेंसर की, तो आप देख सकते हैं सेम वही जैसे प्रीवियस मॉडल में आपको साइलेंसर मिलता है, वही चीज़ आपको इसमें मिलती है। उसके बाद इस साइड पे आप देखेंगे इंजन, क्वालिटी वाइज आपको पता है होंडा का जो इंजन है वो सबसे अच्छा होता है। दूसरे ब्रांड से अगर इसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इसका जो हेड यूनिट है वो किस तरह का है, और यहाँ पे आपको 72 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना लिखा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको कार्बोरेटर जो है ना नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर वही सिक्रियो सिस्टम ऐड किया गया है और वही चलता आ रहा है। यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर आ जाती है इसकी प्राइस, और ये आज की प्राइस है 1,57,900 रुपीज़, 1,57,900 रुपये इसकी प्राइस है आज की प्राइस। उसके बाद हम आते हैं इसके ऊपर वाली साइड पे, आप देखेंगे इसके ऊपर वाली साइड पे इसका जो मीटर है ना वो मिल जाता है, और जो मीटर में ग्राफिक्स है ना आपको वही मिलते हैं, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई, सेम टू सेम वही चीज़ है। यहाँ पर जो प्लास्टिक है ना वो आप देख सकते हैं पहले ग्रीन कलर का हुआ करता था, बट अब ब्लैक कलर में जो कि ऑनेस्टली काफ़ी लो क्वालिटी का लग रहा है, मे बी ऑन होने पर फिर भी बेहतर लगे, बट ये काफ़ी लो क्वालिटी का लग रहा है। बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है ना वो ठीक है। इसके बाद अगर हम लेफ्ट ग्रिप की बात करें, आप देख सकते हैं इसकी जो लेफ्ट ग्रिप है वही आपको मिलती है, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं मिलती, क्वालिटी में भी कोई तब्दीली नहीं मिलती, राइट ग्रिप की भी सेम सिचुएशन है। तो है यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी किया करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छी जो वीडियोज़ है ना वो लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।